सबसे पहले हम लेंगे हंग कर्ड, आप चाहे तो नॉर्मल दही भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड बेसन, मेरा थोड़ा ज़्यादा रोस्ट हो गया पर इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो सत्तू भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ डालेंगे सब्जी मसाला, इसमें हर तरह का मसाला होता है इसीलिए हमें इस कोई और मसाले की ज़रूरत नहीं, आप चाहे तो तंदूरी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे सरसों तेल, सरसों तेल से बहुत अच्छा एक अर्दी फ्लेवर आता है तो आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक सरसों तेल अच्छे से इसमें घुल ना जाए। क्योंकि ये अचारी पनीर टिक्का है तो हम इसमें अचार का मसाला डाल देते हैं, आप किसी भी अचार का मसाला डाल सकते हैं, मैंने यहाँ मिक्स्ड अचार का मसाला यूज़ किया है तो इसमें आधा चम्मच डाल दीजिए ये और ये अच्छा से मिक्स कर लीजिए, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है तो ये बहुत टेस्टी लगेगा और अचारी फ्लेवर देगा। तो अब हम इस बर्तन में डाल देंगे प्याज और टमाटर, तो आप चाहे तो बेल पेपर्स और अपनी पसंद की कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे 50 से 60 ग्राम पनीर, इसे अच्छे से क्यूब में काट लीजिए तभी इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारा जो मैरिनेशन हमने तैयार किया था, ये वो दही वाला मैरिनेशन, तो हम इसमें डाल के इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कीजिएगा, इसे चम्मच से मिक्स मत कीजिएगा क्योंकि हमारा पनीर टूट सकता है, इसीलिए हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और सब जगह हमारा मैरिनेशन चला जाएगा सब्जियों में। और तो अब हम यहाँ इसमें फोक में घुसा देंगे हमारे पनीर और सब्जियाँ, थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ कर घुसाइएगा और इसे हम डायरेक्ट गैस पर घुमा घुमा कर पका लेंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, एकदम स्मोकी फ्लेवर आएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो हम इसे पका लेते हैं। तो पकने के बाद हमारा पनीर कुछ इस तरह दिख रहा है।